आज के वीडियो में हम फाइव पावरफुल प्राइस एक्शन सिग्नल्स को देखेंगे जिसके हेल्प से हम अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें फर्स्ट एक्सेलरेशन एंड डिसलेशन विथ लॉन्ग विथ कैंडल यहाँ आप देख सकते हो मार्केट इस लेवल तक ऊपर जाता है फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है अब आप प्राइस के मोमेंटम को ध्यान से देखिए जब प्राइस यहाँ से चलना शुरू किया था तो बड़े कैंडल्स बन रहे थे मतलब प्राइस तेजी से बढ़ रहा था जिसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं अब देखिए हम सभी को पता है जो की लेवल्स होते हैं वो प्राइस के लिए हर्डल्स का काम करते हैं मतलब रुकावट का काम करते हैं मतलब का का है, जहाँ प्राइस थोड़ा रुकने के बाद आगे जा सकता है या रिवर्स हो जाता है अब देखिए जब प्राइस अपने की लेवल को अप्रोच करता है तो कैंडल्स का साइज छोटा होते जाता है मतलब यहाँ मोमेंटम लो है प्राइस अब धीमे आगे बढ़ रहा है इसे हम डिसेशन बोलते हैं आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जब भी प्राइस की लेवल के पास मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास होता है तो हमें थोड़ा सा पॉज देखने को मिलता है और इस रुकावट के बाद या तो मार्केट रिवर्स हो जाता है या सेम डायरेक्शन में फिर कंटिन्यू करता है बट की लेवल्स के पास मार्केट थोड़ा रिएक्ट जरूर करता है तो कैसे कन्फर्म करे ये रिवर्स होगा या कंटिन्यू करेगा ये बहुत सिंपल है अगर हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो यहाँ हमें रिजेक्शन कैंडल्स को देखना है नेक्स्ट सो so, यहाँ हमारे पास एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल है इसका लॉन्ग वीक हमें शो करता है पहले बायर्स रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं बट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते देन फाइनली सेलर्स प्राइस को वापस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे लेकर आते हैं और क्लोजिंग देते हैं सो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो जब हमें रेजिस्टेंस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो ये हमें इंडिकेट करता है अब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है सो एट दिस पॉइंट हमारे पास डिसलेरेशन है मतलब मोमेंटम लॉस प्लस रेजिस्टेंस लेवल प्लस रिजेक्शन कैंडल नाउ अब हम कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे अगर फर्दर कैंडल इस रिजेक्शन कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ये हमारा सपोर्ट लेवल है नेक्स्ट प्राइस वापस इस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है फिर मार्केट एक्सेलरेट करता है देन जैसे ही प्राइस सपोर्ट लेवल के पास पहुंचता है हमें डिसलेरेशन देखने को मिलता है नेक्स्ट यहाँ हमें मल्टीपल रिजेक्शन कैंडलस्टिक देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं सेलर्स मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं बट फेल हो जाते हैं नेक्स्ट यहाँ हमें एक बायर्स कंट्रोल बुलिश कैंडल देखने को मिलता है सो एट दिस पॉइंट हमें मोमेंटम लॉस प्लस मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिलता है इस सपोर्ट लेवल पर और जब हमें यहाँ एक ग्रीन कैंडल मिलता है तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन का, का काम करता है अब हम यहाँ बाइक कर सकते हैं नेक्स्ट एम पैटर्न विद डाइवर्जेंस एट की लेवल सो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट है जो कि प्राइस इस लेवल को हिट करता है और यहाँ से रिवर्स जाता है और यहाँ चार्ट आर RSI अप्लाइड है नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है अब देखिए, जब प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ हमारे पास एक स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न है नेक्स्ट अगर हम प्राइस और आर को देखें सो देर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एंड इंडिकेटर यहाँ देखिये प्राइस यहाँ डबल बॉटम बनाता है बट एट द सेम टाइम आर एस आई हायर बॉटम बनाता है मतलब हमारे पास एक बुलिस डाइवर्जेंस है सो एट दिस पॉइंट मल्टीपल फैक्टर्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है फर्स्ट सपोर्ट लेवल दूसरा आर एस आई बुलिस डाइवर्जेंस और थर्ड ये डब्ल्यू पैटर्न सो जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ बाइक कर सकते हैं सेम इसी तरह अगर हमें रेजिस्टेंस लेवल पर एम पैटर्न देखने को मिलता है विथ आर एस आई डाइवर्जेंस तो हम इसके लो ब्रेक पर शॉर्ट कर सकते हैं इन स्ट्रेटेजी में हमने इंडिकेटर का यूज किया बट हमने सीखा प्राइस एक्शन का मतलब विदाउट इंडिकेटर देखिए ये एक मिथ है कि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इंडिकेटर यूज नहीं करते हम इंडिकेटर का यूज अपने प्राइस एक्शन एनालिसिस को कन्फर्म करने के लिए करते हैं ना कि हम इंडिकेटर के बेस पर बाय और सेल का डिसीजन लेते हैं और यहां भी हमने अपने प्राइस एक्शन एनालिसिस को कन्फर्म करने के लिए इंडिकेटर का यूज किया नेक्स्ट है ब्रेकआउट विद बिल्डअप देखिए हम बहुत बार ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाता है फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नाउ आपको एक की पॉइंट याद रखना है अगर ब्रेकआउट के पहले प्राइस की लेवल के पास कॉन्सोलीट करता है और फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ब्रेकआउट जेन्युइन होते हैं बिल्डअप इंश्योर करता है जो स्मार्ट मनी है या जो बिग प्लेयर्स है वो यहाँ एक्यूमलेट हो रहे हैं वो स्टॉक को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं आप लॉजिकली चीजों को समझिए अगर इस रेजिस्टेंस लेवल पर उन्हें बेचना होता तो ये बिल्डअप फॉर्म नहीं होता अगर यहाँ सेलिंग प्रेशर होता तो प्राइस ड्रास्टिकली नीचे गिरता लेकिन यहाँ बिल्डअप फॉर्म होता है मतलब जिस बिग प्लेयर ने प्राइस को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया वो स्मार्ट मनी या बिग हैंड ये नहीं चाहता कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए वो चाहता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाए सो तो जब भी बिल्डअप के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट कभी कभी हमें पोस्ट बिल्डअप देखने को भी मिलता है मतलब जो बिल्डअप फॉर्म होता है वो ब्रेकआउट के बाद होता है ऐसे बिल्डअप और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं हम इनमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ये एक प्राइस एक्शन टिप है अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हो या चार्ट पैटर्न या जिस भी बेस पर ट्रेड लेते हो आपको बस एक चीज देखना है सपोज आपको वन आवर टाइम फ्रेम में एक बाय सिग्नल मिलता है तो ट्रेड लेने के पहले बस इतना देख लीजिए आपके एंट्री पॉइंट के आसपास कहीं बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल तो नहीं है क्योंकि बड़े टाइम का की लेवल, छोटे टाइम के लिए बाई करते हैं और हमें ये लेवल नहीं दिखा तो हमने यहाँ ट्रेड ले लिया बट देर इज पॉसिबिलिटी प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए सो ऑलवेज मार्क बिग टाइम लेवल्स नेक्स्ट है ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉल्स ब्रेक ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान हम प्राइस का की लेवल तक आने का वेट करते हैं सो so यहाँ ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हमारा की लेवल है जैसा कि हम सब जानते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का, का काम कर सकता है जिसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं नेक्स्ट प्राइस इस की लेवल को अप्रोच करता है बट ये क्या प्राइस इस लेवल के साथ बिना रिएक्ट किए इसे ब्रेक कर देता है देखिए अगर हमें इस सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिस सिग्नल मिलता जैसे कोई लॉन्ग विक बुलिस कैंडल तो हम इसके बेस पे यहाँ ट्रेड लेते हैं बट प्राइस विदाउट एनी रिएक्शन इस लेवल को ब्रेक कर देता है अब देखिए ऐसे सेटअप के बाद अगर हमें नाइन्टी डिग्री रिवर्सल देखने को मिलता है मतलब अगले एक या दो कैंडल में अगर प्राइस वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाता है तो हम यहाँ एक क्वालिटी बाई ट्रेड ले सकते हैं एंट्री हम तब लेंगे जब एक फ्रेश ग्रीन कैंडल इस सपोर्ट लेवल के ऊपर बन जाए नेक्स्ट ब्रेक एंड रीटेस्ट विथ कॉन्फ्लुएंस तो कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ मल्टीपल फैक्टर्स हमें सेम पॉइंट पर सेम इंडिकेशन देते हैं जैसे चार्ट पर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ प्राइस एक्शन भी हमें बाइंग इंडिकेशन दे रहा है जहाँ कैंडल भी हमें बाइंग इंडिकेशन दे रहा है और जहाँ टेक्निकल टूल्स और इंडिकेटर का भी सपोर्ट है उस पॉइंट को हम कॉन्फिडेंस एरिया बोलते हैं तो जब मल्टीपल फैक्टर्स सेम पॉइंट पर सेम इंडिकेशन देते हैं तो हम इसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं यहाँ देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमने इन लोअर हाइज को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया कुछ इस प्रकार अब देखिए प्राइस मल्टीपल टाइम्स ट्रेंड लाइन के साथ रिएक्ट करके नीचे आ जाता है सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आगे भी जब प्राइस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करेगा तो वहाँ से रिवर्स हो जाए नेक्स्ट मार्केट ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है अब देखिए प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के पास है और एट द सेम प्लेस यहाँ हमारे पास एक की लेवल भी है ना अब अगर कैंडलस्टिक को देखें तो यहाँ मल्टीपल लॉन्ग लॉन्गविक कैंडल्स है जो इन लेवल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं जहाँ मल्टीपल सिग्नल्स हमें एक पॉइंट पर मिलता है बट हम सिर्फ इसके बेस पे यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे हम यहाँ एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी अप है हो सकता है प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला जाए इसलिए हम यहाँ वेट करेंगे अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं जब प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये कन्फर्म करता है ये जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है वो अब एंड हो चुका है तो ये थे कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक्स जो हम अपने ट्रेडिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी